आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आप सभी को सुरक्षित रखा है, संभाला है और प्रभु में बढ़ने में मदद किया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज के वीडियो में ऐसी ऐसी बातों को आप समझ पाएंगे जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ेंगे तो आप वीडियो को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, बातों को समझ नहीं पाएंगे और आपके जीवन से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी मसीह जीवन जीने के लिए, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आइए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है। एक मसीह व्यक्ति के जीवन में ये टॉपिक होना, ये बातें होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम कुछ बातों को वचन से देखने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत बार हम नीति वचन को पढ़ते हैं और एक मसीह व्यक्ति को नीति वचन भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, है ना। कोई कोई अध्याय को आप पूरा पूरा पढ़ लेंगे, हर दिन अगर एक अध्याय पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो नीति वचन में ऐसे ऐसी बातें लिखी गई हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आपके आत्मिक जीवन में उन्नति होगा, ठीक है। आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग जो पवित्रता के जीवन जीते हैं उनके साथ बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे परेशानी आती है, क्योंकि बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाले हैं और यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी घटनाएं होने वाली है। कलीसियाओं पे उपद्रव बढ़ेगा, कलीसियाओं पे सताव बढ़ेगा, मुसीबतें बढ़ेंगी, कलीसिया परीक्षाओं से होकर गुजरेंगी। ये सारी बातें होंगी यीशु मसीह के आगमन से पहले। इसीलिए ज़रूरी है कि आप वचनों को पढ़कर वचन के अनुसार अपना जीवन जिए और उसको करेक्ट करें, सही करें, ताकि आप अच्छे से पवित्र जीवन जी सके, ठीक है मेरे प्रियो। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ज्ञान की कमी के कारण, बुद्धि की कमी के कारण परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ नहीं पा रहे हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं वो वचन के विरोध में हो रहा है। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सच्चाई में चलना तो चाहते हैं, पवित्रता का जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो जा रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे आपको कौन सा मार्ग लेना चाहिए, कौन सा सही मार्ग है, इसका निर्णय लेना आपके लिए कठिन हो रहा है। तो मेरे प्रियो, आप बिल्कुल घबराइए मत, आज का वचन सुनिए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, पवित्रता का जीवन जीने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। तो वचनों को सुने, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन से, उसका 4 अध्याय के 14 से लेकर हम 22 तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इन बातों पर, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों के लिए एक एक करके पढ़ता हूँ। यहाँ पर बुद्धि के बारे में लिखा गया, बुद्धि जो हमें परमेश्वर देता है वो किस प्रकार की बुद्धि है, जो एक मसीही व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु में भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो आप सताए जाएंगे। उसी के साथ साथ आपके जीवन में अगर परमेश्वर की बुद्धि, उसका ज्ञान आपके पास नहीं है तो इस सताव के समय, परीक्षा के समय आप स्थिर कैसे रह पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, ज्ञान मांगे, ताकि प्रभु आपकी सहायता करे परीक्षा के समय। जब आपके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी तो आप संसार में जो परीक्षाएं आ रही हैं, व्यभिचार जो शैतान लेकर आता है, व्यभिचार में डालता है, इधर उधर की बातों को हमारे जीवन में ला के डालता है ताकि हम मसीह जीवन से भटक जाएं, हमारे जीवन में गंदी बातों को लाकर रख देता है, पारिवारिक कलेश को लाकर रख देता है, मित्र मित्र में लड़ाई को लाकर रख देता है, कलीसिया में एक दूसरे से लड़ाई को लाकर रख देता है। ये सारे काम शैतान कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत सारे लोग मसीह में आज भी बुद्धि की कमी के कारण वो भटक जा रहे हैं, ज्ञान की कमी के कारण भटक जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप बुद्धि के बातों को सुने और नीति वचन में बहुत सारी ऐसी बुद्धि की बातें परमेश्वर ने रख छोड़ी है, इसीलिए उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं नीति वचन, उसका 4 अध्याय, ठीक है, 14 से 22 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां लिखा है, 14 में लिखा है, दुष्टों की राह में पांव ना रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। परमेश्वर कह रहा है दुष्टों की मार्ग में पांव नहीं रखना है और ना बुरे लोगों के मार्ग पे चलना है, ठीक है। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है। एक विश्वासी को ये समझना होगा कि दुष्टों के संगति नहीं करनी है। देखिए, दुष्टों से, पापियों से प्रेम करने के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन उनकी संगति करके नहीं कहते कि आप उनकी संगति करो, उनके साथ रहो, जो ऐसा वो करते हैं वैसा आप करो, ऐसा नहीं करना है। और आगे कहता है, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे को बढ़ जा। कह रहा है उन सब लोगों को जो बुरे चाल चलते हैं, अगर तुम्हारे
साथ तुम्हारे मित्रगण में कोई ऐसा है जो गलत काम को करता है, कोई बुराई में रहता है, नशे में रहता है, गलत चीज़ों में रहता है, दुनियादारी में रहता है, इन सब चीज़ों में उसके सहभागी मत हो। उन सबको छोड़ दे, उसके मार्ग में मत जा, उसको छोड़कर तू परमेश्वर के रास्ते में आगे को बढ़ जा, जो धार्मिकता का राज्य है उसमें आगे को बढ़, ना कि सांसारिक बातों में। आपके कई सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं जो कि सांसारिक हो, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया हो, जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया हो, उन्होंने वो जो गलत काम करते उसके संग आपको सहभागी नहीं होना है, प्रभु का वचन कह रहा है। इसीलिए कई बार जब आपके फ्रेंड सर्कल या आपकी दोस्ती जो होती है उसमें कई बार लोग बहक जाते हैं और मसीह के शिक्षा से हट जाते हैं। इसीलिए देखें कि आपकी संगति, आपके मित्र की जो आपका जो मित्र का सर्कल है, आप किन किन से दोस्ती करते हैं, उनको भी आपको जांचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गलत लोगों से आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे 16 आयत में कहता है, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वो दुष्ट जो होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, उनका काम क्या है? दूसरों को दुख देना, दूसरों को ठोकर खिलाना, इसमें उनको आनंद आता है ना। उनको नींद नहीं आती जब तक कोई बुराई ना कर ले। आज संसार में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे, जब तक किसी को नुकसान ना पहुंचा दे उनको शांति नहीं मिलती है, उनको नींद नहीं आती। तो भैया ऐसे लोगों से दूर रहना है, नहीं तो धीरे धीरे उनकी संगति करते हो आप भी ऐसे लोगों जैसे बन जाओगे। प्रभु चेतावनी देकर कह रहे हैं ऐसे लोगों से दूर रहो। 17 आयत में कहता है, वे तो दुष्टता की कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। वो सब कुछ बुराई से कमाते हैं। आजकल देखिए कोई भी ईमानदारी से काम करने के लिए जल्दी से कोई मिलेगा नहीं आपको। बेईमानी से लोग कमा रहे हैं, बेईमानी के काम करके दुनिया में खा रहे हैं। देखिए ऐसे कामों को परमेश्वर पसंद नहीं करता। अगर आप प्रभु में हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति ईमानदारी से कमाए, ईमानदारी से खाए। जो भी काम परमेश्वर ने उसको दिया है संसार में, उसमें वो ईमानदार रहे, ठीक है। एक मसीह व्यक्ति को बुराई में कमाई नहीं करना है। कई बार मसीह लोग क्या करते हैं, ब्याज पे पैसे दे देते हैं इधर उधर की चीज़ों, ऐसे नहीं करना, ठीक है। परमेश्वर इन चीज़ों से पसंद नहीं करते, इन चीज़ों को, ठीक है। 18 आयत में कहता है, परंतु धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। धर्मी की चाल, यानी धर्मी की चाल कैसी है, जैसे धूप हम देखते हैं ना सुबह तक होते थे, फिर धीरे धीरे दोपहर होते थे, कितनी चमक बढ़ जाती है। ऐसे ही जो धर्मी है, अगर वो धार्मिकता की चाल चलेगा, वचन में चलेगा, उसका जीवन भी इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, प्रभु में बढ़ता जाएगा, और वो ज्योति में होता जाएगा, प्रकाशमान होता चला जाएगा, प्रभु में आनंदित और मगन होता चला जाएगा। इसीलिए धार्मिकता की चाल चलें। 19 कहता है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। देखिए जो गलत लोग, उनका मार्ग घोर अंधकार में है, उनको अनंत काल का नरक मिलने वाला है, ठीक है। जो दुष्ट लोग हैं वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब आप अपने आप को देख लीजिएगा, आप दुष्टों के साथ चलेंगे तो आप भी वहाँ डाल दिए जाएंगे। जो शैतान के चाल चलेगा वो शैतान के संग नरक में जाएगा। वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। शैतान आपको ठोकर खिला रहा है, इसीलिए शैतान की चाल को समझिए और दुष्ट के मार्ग में मत जाइए, वो अंधकार में जाएगा, अनंत काल के नरक में जाएगा। 20 आयत कहता है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर कह रहा है आपसे और हमसे, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। जी हाँ, ध्यान धर कर सुनिए परमेश्वर के वचन को। कान लगाइए, अपने कान को लगाइए और ध्यान लगा कर सुनिए, और अपना कान मेरी बातों पर लगा, सांसारिक बातों पर नहीं, मेरी बातों पर लगा, सच्चाई पर लगा, ईमानदारी से चल, वचन को पढ़, प्रार्थना कर, उपवास कर, अंतिम दिन है, संगति कर, यीशु मसीह के वचन पे चल। प्रभु यही चाहता है हम सब से जो विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु इसीलिए कह रहा, मेरी बातों पर कान लगा। 21 में लिखा है, उनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, ठीक है, अपने आंखों से हटने मत दे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ लेते हैं, उसे अपनी आंखों से दूर मत जाने दीजिए, हमेशा उसका मनन करिए, एक बार पढ़कर मत छोड़िए, बार बार उसको रिपीट करिए, रोज उसको पढ़िए और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए समझने के लिए। प्रभु नया ज्ञान आपको रोज देगा। वरन अपने मन में धारण कर, प्रभु कहता है, वरन अपने मन में धारण कर, सिर्फ मुंह से पढ़कर बाइबल मत चले जाओ, उसको अपने अंदर रखो, ठीक है। और 22 में कहता है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। जिनको परमेश्वर का सामर्थ्य मिलता है,
जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन होता है उन्हीं के जीवन में अनंत जीवन है, उन्हीं को अनंत जीवन मिलेगा, उनका शरीर क्या है चंगा रहेगा, कोई बीमारी उनको नहीं होगी। इन लोगों को जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो स्वर्ग जाएंगे, ना कोई बीमारी होगी ना कोई परेशानी होगी। मेरे प्रियो, आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे कह रहा है अपने आप को पवित्र करो, गलत संगति में मत जाओ। अगर आज भी आप बुराई में पड़े हुए हो, गंदी चीज़ों में पड़े हुए हो, लौट कर यीशु मसीह के पास आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और इन वचनों के अनुसार जीवन जियो, ताकि स्वर्ग में जाओ, नरक में मत डाले जाओ। नरक बहुत ही गंदी जगह है, बहुत ही गलत जगह है, बहुत ही अंधकारमय जगह है, बहुत ही जलन और इतना पीड़ादायक जगह है आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए उस जगह जाने से अपने आप को बचाओ, स्वर्ग जाने की तैयारी करो, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपका आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।